नमूना को इंग्लिश में सैंपल कहा जाता है क्या? सैंपल। पोर को इंग्लिश में डॉन कहा जाता है क्या? डॉन। दोषी को इंग्लिश में गिल्टी कहा जाता है क्या? गिल्टी। विरासत को इंग्लिश में हेरिटेज कहा जाता है क्या? हेरिटेज। निचोड़ना को इंग्लिश में स्क्वीज कहा जाता है क्या? स्क्वीज। छापना को इंग्लिश में प्रिंट कहा जाता है क्या? प्रिंट। लात मारना को इंग्लिश में किक कहा जाता है क्या? किक। चमचा को इंग्लिश में स्पून कहा जाता है क्या? स्पून। बगीचा को इंग्लिश में गार्डन कहा जाता है क्या? गार्डन। काबिल को इंग्लिश में कैपेबल कहा जाता है क्या? कैपेबल। सहलाना को इंग्लिश में स्ट्रोक कहा जाता है क्या? स्ट्रोक। भाईचारा को इंग्लिश में ब्रदरहुड कहा जाता है क्या? ब्रदरहुड। खुशबू को इंग्लिश में फ्रेग्रेंस कहा जाता है क्या? फ्रेग्रेंस। लकड़ी को इंग्लिश में वुड कहा जाता है क्या? वुड। निबंध को इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है क्या? ऐसे। अंगूर को इंग्लिश में ग्रेप कहा जाता है क्या? ग्रेप। रेशम को इंग्लिश में सिल्क कहा जाता है क्या? सिल्क। उत्पन्न को इंग्लिश में येल्ड कहा जाता है क्या? येल्ड। रानी को इंग्लिश में क्वीन कहा जाता है क्या? क्वीन। पेट को इंग्लिश में स्टोमक कहा जाता है क्या? स्टोमक। और आप भी ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग मीनिंग्स की वीडियो हर रोज पाने के लिए इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।